हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जनाब सबको स्वागत करता हूँ स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को कम्प्लीट किया था और उसमें आपको फॉर्मूला भी बताया था कि किसी भी एपी के टर्म्स का अगर हमको सम निकालना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वहाँ मैंने आपको दो फॉर्मूले के बारे में बात की थी। आज हम सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। हमें एक सीरीज दी गई है क्वेश्चन नंबर ए में, 7 + 10 1/2 + 14 + .84। हमें इस सीरीज का सम बताना है। इसमें ना तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ बताया हुआ है और ना तो ए मालूम है ना ही डी मालूम है, तो कैसे हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम 10 1/2 में से हम 7 को माइनस कर देंगे। तो 10 1/2 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन जो एक फॉर्मूला होता है, जब हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म और हमें लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म को दिया हुआ है एल, लास्ट टर्म को दिया है 84, तो सम का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन बाई टू ए प्लस एल, ये होता है किसका, ये होता है फॉर्मूला जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी सीरीज में दिया हो और उस सीरीज का हमको फर्स्ट टर्म निकालना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ए और एल तो मालूम है लेकिन हमको यहाँ पर एन नहीं मालूम, तो हम एन के लिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो n हम कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए हम यूज करेंगे an का फॉर्मूला जिसको हम l भी लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हमको l दिया हुआ है 84 बराबर a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d दिया हुआ है आपको। मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, 3 + 6 = 7, 7/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं, मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने 7 को उधर ले लिया, 84 में से 7 को माइनस करेंगे तो 77 आएगा और यहाँ हमको मिल गया n माइनस 1 7/2। अच्छा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 77 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1, तो ये इससे 11 बार कट गया, 22 हो गया ये बराबर n माइनस 1। तो ऐसा हम कह सकते हैं n बराबर कितना हो गया, 23, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 23 हैं, सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 23 हैं। अच्छा अभी हमने बात की थी फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होता है Sn का n बाई 2 a प्लस l। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू लगाएंगे 23 इंटू अपॉन 2, a क्या दिया हुआ है 7 और l कितना दिया हुआ है 84। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको ये कितना मिलने वाला है, 7 × 4 = 11, मतलब 91 मिल जाएगा, ठीक है। और 91 का हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड देके जो इसका फॉर्मूला जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका 1046 होल नंबर 1/2। यही आपका जो है क्या बन जाएगा, सम ऑफ द गिवन सीरीज। आइए तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 34 + 32 + 30 + .10 है ना, हमको सीरीज दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे a बराबर 34 हो गया, अगर हम d की बात करें तो 32 - 34 करेंगे तो d आ जाएगा -2, l हमको दिया हुआ है 10 और यहाँ पर हमको फिर से n नहीं मालूम है और उसमें हमें क्या निकालना है, सम ऑफ गिवन बिलो, हमें सम निकालना है। हम पहले यहाँ से बात करेंगे n की कि n क्या होगा, तो यहाँ पर हमने n का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर -2 + (n-1)(d), d हो गया -2, -4 यहाँ से आ जाएगा तो ये माइनस का 24 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका n-1 और ये हो जाएगा -2, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके तो ये बन जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका 12 बचेगा, तो ये हो गया n-1। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 13, नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल गया, 13 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो Sn n बाई 2
ए प्लस एल होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो एन हो गया 13, 13/2 ए, ए कितना हो गया 34, और एल, एल कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 13/2 × 44, इसका करेंगे 22, 13 × 26, 13 × 26 27, 28, मतलब 286 क्या हो जाएगा ये ए एस एन हो जाएगा जो हमको पूछा गया है। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है −5 + −8 + −11 · −230। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो a बराबर कितना हो गया यहां से −5 हो गया, d बराबर देखो −8 − −5, तो −8 + 5 दैट इज −3, d कितना आ जाएगा −3। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अच्छा लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है −230, तो यहां से हम फिर से n लगाएंगे, n का फॉर्मूला निकालेंगे n − 1 × d, l कितना हो गया −230 बराबर −5 + n − 1 × d −3। अच्छा −5 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 225 हो गया ये, 225 का डिवाइड जो −3 से बराबर हो जाएगा n माइनस वन, माइनस वन कैंसिल, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यस 75 कट जाएगा, तो ये हो गया n माइनस वन, मतलब n बराबर कितना हो गया 76, मतलब यहाँ से n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। हमको निकालना है एस एन, एस एन हो गया n/2 ए प्लस एल, क्योंकि हमको यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये 76/2, एल ए कितना हो गया −5 + l कितना हो गया −230, तो ये हो जाएगा इससे कितना 6 38, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा माइनस हो गया 235, और जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8930, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी सॉल्यूशन को देख पाए, उसको समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में एक एपी दी हुई है, इन एन एपी, है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एपी, एपी में गिवन है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो आपको n और sn बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन ये किए थे उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, पहले हमको n बताना है फिर हमको sn बताना है। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n हो गया 50 बराबर a प्लस n माइनस 1 और d हो गया 3, यहाँ हमको माइनस करेंगे तो जो 45 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो जो हो जाएगा n माइनस 1, दिस इज 15 और 15 प्लस 1 कर देंगे तो हमको n मिल जाएगा 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16, n के n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। अच्छा हमको क्या निकालना है sn, मतलब sn, n का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म को दिया हुआ है, an ही क्या होता है लास्ट टर्म होता है, ठीक है, तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस l, n निकाल चुके हैं 16 upon 2, और a, a कितना है 5 + l, l कितना है 50, तो ये हो गया 8, 8 गुणा ये हो गया 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 44, मतलब 440 हो जाएगा sn, ठीक है, तो sn हो गया 440 और n हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखते हैं, गिवन है a बराबर 12, a 12 बराबर 37 एंड d बराबर 3, फाइंड a एंड s12, है ना, तो यहां से हम a12 का फॉर्मूला पुट करेंगे, a12 का फॉर्मूला हो गया a + 11 d, a12 हो गया 37 बराबर a + 11 × 3, तो a 37 बराबर हो गया a + 33, तो इसको माइनस करेंगे तो a बराबर हमको यहां पे 4 मिल जाएगा, a बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, a की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या निकालना है s12, s12 का मतलब हो गया कि यहां पर हमें n की वैल्यू क्या लगानी है 2a + n − 1 × d, तो हमको यहाँ पर n की वैल्यू कितनी लगानी है 12, तो 12/2 बराबर 2a, a की वैल्यू 4 निकाली है प्लस n 12 − 1 × d, d कितना है 3, तो ये 6 बार कट गया यहाँ से, 6 × 8 = 2 = 8, ये 11 11 दिया 33 हो जाएगा, ठीक है, तो जो गया 6 ×
आठ और 33 होंगे 41, तो 6 × 6 = 24, मतलब 246 है ना, 246 यहाँ से आपको S12 मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देखते हैं। गिवन है A3 बार 15, S10 बार 125, मतलब हमको टर्म्स दिया हुआ है, थर्ड टर्म और सम ऑफ 10 टर्म्स हमको दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है और A10 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, और A+2D किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे पलट के लिख लेता हूँ, A+2D बराबर हो गया 15। ठीक है, अच्छा ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब S10 की हम बात करें तो n/2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 मतलब 10/2, 2a+n, n-1 हो गया d into, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया 125। अच्छा अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, अच्छा इसको इससे काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 2 10 5 25, तो यहां से कितना बन जाएगा, ये 2a+90 बराबर हो गया 25। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा ना, 15 - 2d निकलेगा, इसको मैंने यहां उठा के पुट कर दिया a की वैल्यू को, तो यहां से हो गया ये 15 - 2d, 2 ब्रैकेट में 15 - 2d बराबर +90 बराबर हो गया 25। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 15 2 = 30, हो गया 30 - 2 = 4d, 4d + 90 बराबर हो गया 25, ये हो गया 5d बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब d बराबर कितना आ गया, -1। d बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, a10 निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+9d। तो हमको देखो d मालूम है, अच्छा ए अभी हमको ए नहीं मालूम, ए हमने ये निकाला, यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए बराबर 15, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा ये, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई, तो ए की वैल्यू यहाँ 17 पुट कर रही है, +9d, 9 9, और इनटू डी, डी की वैल्यू कितनी हुई, -1, तो हो गया 17 - 9, तो ये कितना हो जाएगा, 8, मतलब ए 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे अपनी बुक में कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने 4 पार्ट्स को अभी कंप्लीट किया है। इसी तरीके से आप आगे भी बचे हुए 6 पार्ट्स को करने की कोशिश करें, ट्राई करें एक बार सेल्फ करने के लिए, आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको निकालना है, और किस तरीके से आप उसका इक्वेशन बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप उनको सेल्फ एक बार ट्राई जरूर करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और सभी को बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। थैंक यू।